आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत जो है नहाय खाय से शुरू हो जाएगी। छठ को लेकर एक बार फिर से राजनीति राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। आज आपको बता दें कि बीजेपी के दो सांसद और एक नेता जो है पहुंच जाते हैं कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर, जहां पर आपको बता दें कि सांसद मनोज तिवारी और सांसद परवेश वर्मा के साथ बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरी यमुना को प्रदूषित किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर केमिकल डालकर जो है झाग को खत्म किया जा रहा है। ये जो झाग आप देख रहे हैं ये बेहद नुकसानदायक है, ये कहा है खुद सांसद मनोज तिवारी और परवेश वर्मा ने। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना घाट को लेकर लगातार जो है सियासत देखने को मिली है। छठ महापर्व हो चाहे अन्य कोई भी पर्व होते हैं, यमुना में मूर्ति विसर्जन हो चाहे और भी चीजें जब अगर यमुना में करने लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मीडिया इस खबर को दिखाता है तो सरकार जो है अपने आप को बचाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने आप को बचाएगी, क्योंकि छठ के लिए जो अब दिन जो है वो बेहद कम है। और आपको बता दें कि कल से जिस तरीके से 28 तारीख से 28 अक्टूबर को नहा खा से इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने आपको बता दें कि 1100 छठ घाट बनाए हैं और 25 करोड़ रुपए का जो फंड है वो छठ पूजा समिति के लोगों को देने का ऐलान किया है। लेकिन क्या इस फंड से यमुना को साफ किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी और परवेश वर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए, और साथ ही यहाँ पर जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो जो घट का जायजा लेने पहुंची तो उन्होंने क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, आइए ये आपको सुनवाते हैं। पूरी तरीके से भैया साफ करना तो दूर, आप देखिए ये अमोनिया फास्फोरस के झाग फैल रहे हैं और ये कैमरा में ना दिखे इसके लिए वहाँ 50,000 लीटर केमिकल हमने जब्त किया है। अरविंद केजरीवाल अपने जल बोर्ड और फ्लड के मार्फत इसमें केमिकल डलवा रहे हैं कि झाग कैमरे में ना दिखे। एक जहर को छुपाने के लिए दूसरा जहर, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, हम इसकी FIR करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे छठी मैया से, सद्बुद्धि मिलनी चाहिए उनको? नहीं, छठी मैया तो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हम बार बार कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, इससे बहुत लोग मरे भी हैं, केस इनके ऊपर चल रहा है। मैडम एक मिनट, थोड़ा सा कोई अपनी माँ यमुना में कोई केमिकल कैसे डाल सकता है, और हम देख रहे हैं कितने सारे झाग, कितना सारा इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है और उसको झाग को दबाने के लिए ये केमिकल की योजना इन्होंने बनाई। सारे लोग जैसे ही हम आए सारे लोग यहाँ पर भाग गए, जैसे वो कोई चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हों, सारे अधिकारी दिल्ली सरकार के यहाँ से भाग गए। अगर वो ठीक काम कर रहे होते तो वो क्यों भागे? जैसे ही ANI ने सुबह सुबह चोरी दिखाई उसके बाद में उन्होंने ये ड्रम मंगवाए, ये सारे केमिकल मंगवाए, ये सारे पाइप मंगवाए कि इससे यहाँ पर जो है अपना स्प्रे करके सारे झाग को मिटाएंगे। मतलब कि जो हमारी माता बहनें आएंगी जो यहाँ पर डुबकी लगाएंगी, अगर केमिकल मुँह और उनके नाक के अंदर चला गया तो वो मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? कई लोगों का कहना है कि सालों से करती आ रही हूँ, दिल्ली में कब से रह रही हैं? साल से रह रही हूँ और 200 साल से छठ पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या इस तरीके की कभी देखा कि घाट की स्थिति हो जो गंदा पानी यमुना का इस तरीके से? पहले तो नहीं, मैं कभी यहाँ पे आई नहीं छठ पूजा करने के लिए। मैं वहीं बदरपुर लाल कुआं में रहती हूँ, वहीं पे घाट बनाया गया है, उसी में करती हूँ। और इस बार आई हूँ, ग्रहण लगा था इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ यहाँ तक नहाने के लिए, तो नहा के शुद्ध हो जाऊँ। तो देख रही हूँ यहाँ पे इतना कचरा फचरा है, फिर भी क्या करूँ, मजबूर हूँ तो नहा लिए, स्नान कर लिए। कल से नहा खा से छठ महापर्व की शुरुआत होगी। कल से 28 तारीख से नहा खाएंगे और 29 तारीख को खरना हो जाएगा और 30 को शाम का अर्घ संझ की अर्घ होगा और 31 को पारण होगा। अच्छा, ये लगता है आपको यमुना की सफाई को लेकर लगातार लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन सफाई नहीं हो पाती? क्यों नहीं होगा? नहीं हो रहा है। करवाएंगे तब तो होगा। सरकार दावा करते हैं, बहुत खराब दिखाई देता है, कचरा पूरे है, पूरे में कचरा फैला हुआ है। एक भी साफ आप लोग तो देख रहे हो कैसे कचरा फैला हुआ है, एकदम कचरा है, बना के रख दिया है, साफ सफाई कभी नहीं करते। तो मजबूरी में अब ऐसे ही पानी में आप लोग करेंगे छठ? परमिशन नहीं दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं जी केमिकल है। मैंने आज पूछे
जब परमिशन मिल गया, जब नजीब त्यौहार करने देगा तो बोला जो नहीं इसमें केमिकल है, नहीं होगा, परमिशन नहीं मिला तो घर में करेंगे, नहीं आएंगे करने के लिए। पुलिस वाला नहीं आने देता है, वहाँ पर रोक लगा देता है, बैरियर डाल देता है, जो नहीं होगा करवाना चाहिए, होना चाहिए सब कुछ। हम लोग को होता था तो पहले साफ सफाई करवा देते, ब्लेजर मंगा के लाइट उट लगवा देते, अब नहीं लगाते हैं, कहते साफे मना कर देते हैं। ठीक।